हम सब कहीं दिल के मारे हैं और दिल के मरीज हैं, और मेरे ख्याल से इतनी परतें हमने चढ़ाई हुई हैं कि दिल कहीं बेचारा दफन हो गया है। बहुत ज़रूरी है कि इस दिल को हम उजागर करें, इस दिल को बाहर करें, दिल की बात दिल तक पहुंचाएं, दिलों को जोड़ें। और उसी लिहाज से इस शो की संरचना हुई है, रचना हुई है। और जिन लोगों की कहानियां हैं वो दिल को छू लेने वाली कहानियां हैं, झकझोर देने वाली कहानियां हैं, इंस्पिरेशनल कहानियां। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया, मुझे लगा कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए। मेरे दिल ने कहा, कहते हैं ना कभी कभी आप क्यों डिसाइड करते हैं, मेरे दिल ने गवाही दी कि ये शो मुझे करना चाहिए। कहाँ आ रहा है, कौन कर रहा है, ये मुझे लगा कि बस मुझे ये शो करना चाहिए। मुझे इन लोगों की कहानी, ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं इन लोगों की कहानी आगे लेके आ रहा हूँ। और मुझे इतने बड़े लोगों से बात करने का मौका मिला। बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि ये दिखते साधारण है पर हैं ये असाधारण लोग, और इनमें बहुत गज़ब की शक्ति है और बहुत गज़ब का मनोबल है, और दिक्कतों को सामना करने का जो मादा है इनमें वो बहुत कम लोगों में नज़र आता है। इसलिए मैंने हामी भरी इस शो के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता इसे ज़रूर पसंद करेगी और एक एक राह बनाएगी हम सब लोगों के लिए, ताकि ये शो आगे निरंतर चलता रहे, मैं करूँ या कोई और करे, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। वही बहुत मुश्किल काम है, वो कितना बैलेंस करना है, वो उसमें कितना अंश डालना है उसका, वही हुनर है, वही बारीकी है, जो शायद तजुर्बे से भी आती है और कभी पैदाइशी मिट्टी की देन भी होती है कि मुझे कितना बोलना है या कितना कहना है या कितना ये करना है। और जब बहुत संजीदा मामला हो जाता है बहुत, अभी आप देखेंगे कि बच्चा जब रोता है तो उसे हंसा दिया जाता है कोई फ़नी बात कह के या कोई मजाकिया बात करके, रोता हुआ बच्चा रोता भी है और हंसता भी है साथ साथ, ऐसा होता है। और हम आम जिंदगी में भी जब हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, लोग कहते हैं चलो 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 ये अब ये संजीदगी हटाओ, कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं। तो मैंने देखा कि जब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जा रहा है, जब सोनू के पेरेंट्स की बात चली और जब बहुत ज़्यादा वो गंभीर हो गए, मुझे लगा कि उनको तुरंत उस जोन से निकालना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें की और फिर वापस उसी बात पे आ गए, ताकि उनका वो जो भारीपन था वो थोड़ा थोड़े वक्त के लिए थम जाए। और इसीलिए आपने डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा उठाया, नोटबंदी का मुद्दा उठाया, नहीं मैंने मुद्दा नहीं उठाया, यो तो उठा हुआ मुद्दा है, इसे और कितना उठाएंगे। हाँ हाँ नहीं नहीं मैंने कोई ताना नहीं मारा, मैंने ताना बाना बुना, मैं ताना नहीं मारा, क्योंकि अभी हम उस मझधार में हैं जहाँ ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नैया पार होगी या नहीं। हर चीज़ के लिए वक्त बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पेड़ लगाएं, बीज लगाएं और कह दें पेड़ अचानक जो है वो बड़ा हो जाए रातों रात, तो वो नहीं हो सकता। अगर पेड़ की कल्पना की है और बीज लगाया है तो उतना वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा जब वो पेड़ बड़ा हो। अब वो पेड़ बड़ा होता है या ठूंठ रह जाता है या सूख जाता है, ये तो आगे आने वाला वक्त, वो तो बाद की बात है। तो वक्त जो है वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वही बताएगा कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत। हम आप लाख कहते रहे, मैं हाँ कह दूँ अच्छा हुआ, आप कह दें नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ, मैं कह दूँ बहुत बुरा हुआ, आप कह दें नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ, ये दलीलें और ये तकरार तो चलती रहेंगी, इसका कोई मायने नहीं है। जो मायने है वो जो सही तरीके से जो चीज़ हुई है, वो सही लोगों के लिए जो हुई है, वहाँ तक पहुँची है नहीं, ये सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। जब अभी उसमें जामन दिया गया है जोरन, अब वो दही जमता है या नहीं, ये तो सुबह की किरण ही बताएंगी। दाढ़ी बढ़ गई है, बढ़ाई नहीं है, बढ़ गई, फिर मैंने उसको काटा नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। शो नहीं, ऐसे ही मतलब मैंने कहा कि आदमी आजीज आ जाता है थोड़ा, देखते देखते एक फैशन भी चलता है, एक नयापन भी रहता है, कुछ एक नया नया सा होता है आदमी। मैंने कहा कि अब जिस तरह से हम लोग एक ही वस्त्र रोज़ नहीं पहनते, एक ही तरह का खाना रोज़ नहीं खाते, तो एक ही चेहरा रोज़ क्यों बर्दाश्त करें। नहीं अभी फ़िलहाल तो मेरे पास उन 13 लोगों को सामने लाया गया था जिनकी कहानियाँ बड़ी रोचक थीं और बहुत भावनात्मक भी थीं।
आगे इन्होंने मुझे वादा किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग, और अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में होंगे, और मैं तो ऐसा इंसान हर किसी इंसान में ढूंढ रहा हूँ। आप अगर माइक पकड़ के मेरे सामने आए हो तो मुझे लगता है, और जब मैं कहता हूँ कि ज़मीन से फलक तक, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक इंसान गरीबी से अंबानी ही बन जाए, पर जिस सफ़र से शुरू हुआ था उस सफ़र में बहुत आगे तक बढ़ गया और अपनी मंजिल तक पहुँच गया, वो मेरे लिए ज़मीन से फलक तक है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सैकड़ों मिसालें होंगी हिंदुस्तान में, जिनकी कहानियां जो है पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आवाम जो है वो सुनना चाहेगी। तो आने वाले वक्त में जब ये 13 एपिसोड कम हो जाते हैं, फिर एक नया जत्था आएगा, फिर एक नए लोग आएंगे जो अपनी नई कहानियां लेके आएंगे, नई इंस्पिरेशन लेके आएंगे। साधारण लोगों की असाधारण कहानी है, लेकिन ऐसे लोग जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, जिनके बारे में गूगल करके पता नहीं कर सकते, उनके बारे में सब कुछ जानना और उनसे शो करना, होस्ट करना, ये यही चुनौती थी। अगर मैं माननीय अमिताभ बच्चन को बैठा के या मोदी जी को बैठा के या शाहरुख खान को अगर मैं इंटरव्यू करता हूँ, तो मुझे ना वहाँ बैठने की भी ज़रूरत है, क्योंकि लोग वैसे ही देख लेंगे और सुन लेंगे, वो बोल के चले जाएंगे, उनको इंटरव्यू करने की क्या ज़रूरत है। उतना तो इंटरेस्ट लोगों का वैसे ही रहता है और फैन बेस इतना बड़ा है। चुनौती तो तब होती है जिसको लोग कहते हैं ये कौन है भाई, इसको हम नहीं सुनना चाहते, और अचानक जब उसने जब कहानी बोले रोको मैं इसी को सुनना चाहता हूँ, चुनौती वहाँ है। चुनौती वहाँ है जब आप आम इंसान को बैठाते हैं और कहते हैं कि इसकी दिखने में ये आम है लेकिन इसकी कहानी आम नहीं है, याद रखिएगा। जब हम उस आम इंसान को बिठाते हैं जो कहता है मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं ये शेयर नहीं करना चाहता, आप धीरे धीरे उसको इतना सहज कर देते हैं कि वो जब आप कहते हैं शो खत्म हो गया, वो कहता है थोड़ा मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। तो वो ये इस कार्यक्रम की चुनौती थी, और मुझे अच्छा लगा कि 13 में से 13 लोग जब शो से बाहर गए तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतने अच्छे होंगे और कैमरे के आगे बोल पाएंगे और इतना अच्छा करेंगे, और मुझे हमें बहुत अच्छा लगा कि हम इस शो में शरीक हुए, हम बहुत डर रहे थे, हम बहुत खौफजदा थे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये लोग जो हैं वो एक मुस्कान लिए बाहर गए, खुश होकर बाहर गए कि चलिए, और इस सुकून के साथ और इस इत्मीनान के साथ कि उनकी कहानी जो है वो एक सही कार्यक्रम के जरिए, सही चैनल के जरिए सही लोगों तक पहुँचेगी। मेरे नहीं, वो तो सबके चाहते हैं। आपने उनके स्टाइल को बहुत बार हाँ, अगर हिंदुस्तान की जनता को लगता है कि उनकी कहानी जमीन से फलक तक है, तो डेफिनेटली अब वो फलक तक है या उसमें सिर्फ लक लक ही था, और वो तो प्रोड्यूसर हमारे वो तय करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। अगर वो आप सब पूरी जनता को ये लगता है और हम ये लोगों से पूछेंगे कि उनको बुलाया जाए, आप देखना पसंद करेंगे, अगर हाँ तो वो तो ज़रूर रहेंगे, तो हमारा सौभाग्य होगा लालू जी से बात करना। सक्सेस स्टोरी जमी से फलक तक हर रविवार जी बिजनेस पे, बिजनेस चैनल जो है उस पर आएगा दोपहर 1 बजे, तो उसको देखना मत भूलिएगा, दोपहर 1 बजे जी बिजनेस पे। और बहुत लोगों ने ये सवाल भी किया कि जी बिजनेस पे क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं और बिजनेस के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इसलिए इसका जो नीच ऑडियंस है वो मेरे ख्याल से इस चैनल पे ही ज़्यादा मिलेंगे। और आने वाले वक्त के साथ जब ये एक इसका स्वरूप जब बड़ा हो जाएगा और लोगों को लगेगा नहीं अब हमें यही देखना है, बड़े रूप में देखना है, तो शायद वो एक बड़े जनरल एंटरटेनमेंट चैनल का हिस्सा भी बनेगा। पर मुझे चैनल से उतनी शिकायत नहीं रही और न कभी ख्वाहिश रही कि यहाँ आया है। मुझे ऐसा लगता है जब आपका कॉन्सेप्ट सही है, लोग सही हैं, चैनल कोई भी हो लोगों तक पहुँच जाता है।